नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसवीर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोयोटा ग्लैंजा की। तो ग्लैंजा का कंप्लीट फेस लिफ्ट वर्जन आ चुका है। तो पहले जो ग्लैंजा थी वो बलेनो की बिल्कुल कॉपी थी और बहुत सारे फीचर भी क्या जो उसकी लुक थी, सिर्फ ग्रिल और जो बैज था टोयोटा का उसे छोड़ के बाकी सभी सेम था। लेकिन इस बार इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। हालांकि इंजन वही है, तो इंजन के नाम पे इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जिसमें कि मैनुअल और ऑटोमेटिक आपको दोनों ही मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक में आपको AMT मिलता है और अगर इसकी माइलेज की बात करें तो 22.3 इसकी मिलती है मैनुअल में माइलेज, और जो ऑटोमेटिक की माइलेज है वो है 22.9। पावर की बात करें तो 89 PS की पावर, और टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इसमें हमें मिलता है 113 न्यूटन मीटर का। अब आइए इसके देख लेते हैं एक बार फ्रंट से, कि फ्रंट से देखने में कैसा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इसके फ्रंट में हुए हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले इसकी की से। तो की कैसी इसकी की दिखती है, तो अगर इस आपको इसकी की दिखाऊं तो बिल्कुल बेसिक इसकी की है। तो ये इसका S वेरिएंट है, तो S वेरिएंट में ऐसी कुछ आपको इसकी की देखने को मिलेंगी जिसमें कि आपको दो बटन लॉक अनलॉक। तो फ्रंट से देखने में आपको कंप्लीट इसकी जो डिफरेंट लुक देखने को मिलने वाली है। तो ऐसी इसकी हेडलैम्प है, तो हेडलैम्प आपको ऐसे देखने को मिलेगी। नीचे इसमें दी हुई क्रोम स्ट्रिप, और इसमें मिल जाते हैं आपको प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में आपको हेलोजन मिलेगा, और इसके साथ साथ इसमें यहाँ दिया हुआ है ये इंडिकेटर, और जो इसमें प्रोजेक्टर वो आपको हेलोजन देखने को मिलेगा, और ये मैंने आपको बता दिया था। और अगर यहाँ देखें इसके फ्रंट से, कंप्लीट इसका जो आपको लुक है वो आपको रिजेंबल करोगे इससे कैमरी से, जो टोयोटा की जो कैमरी आती थी बिल्कुल उससे मिलता जुलता इसका डिज़ाइन है, और बिल्कुल वही इसमें लुक दिया गया है। अब पहले की तरह नहीं है बस कि ग्रिल चेंज करी और वो बलेनो से अपडेट करके इसे ग्लैंजा बना दिया, नहीं। अब ये देखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगती है। हालांकि जो नीचे वाली ये स्ट्रिप है, जो क्रोम की ये स्ट्रिप है, तो ये एसेसरीज़ का पार्ट है। आपको मैं एक बार दिखा भी दूंगा कि एसेसरीज़ कहाँ कहाँ लगी हुई, ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है, और ORVM पे लगे हुए ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है। यहाँ ये ORVM पे लगा हुआ क्रोम, नीचे लगी हुई क्रोम गार्निश, डोर पे टेल लैंप्स पे लगी हुई ये गार्निश, और आउटसाइड डोर हैंडल तो इसके ऊपर लगा हुआ क्रोम भी इसका एसेसरीज़ का पार्ट है। बाकी इसमें आपको नॉर्मल एक ही क्रोम ग्रिल देखने मिलती है, मतलब एक ही आपको जो कॉमन है वही मिलेगी जो स्टैंडर्ड अगर आप बिना एसेसरीज़ के लोगे। तो बाकी जो बम्पर का डिज़ाइन है वो बिल्कुल इसमें वैसे दिया हुआ जैसे थोड़ा एग्रेसिव है, और नीचे इसमें दी हुई है ग्रिल, और ग्रिल में जिससे कि जो एयर इनटेक है वो अच्छे से हो सके। अगर साइड की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी साइड प्रोफाइल। तो ये ऐसी इसकी साइड प्रोफाइल है, बाकी टायर साइज इसे मैच करता है। इस वाले वेरिएंट में आपको 15 इंच के व्हील मिलेंगे, और अगर इनके प्रोफाइल की बात करें तो 185/65R15, और इनके साथ साथ ही मिलेगा आपको व्हील कवर। और ये मैंने आपको बताया था कि ये इसके एसेसरीज़ का पार्ट है, और जो इसके आउटसाइड डोर हैंडल्स हैं इनके ऊपर लगा हुआ क्रोम भी इसके एसेसरीज़ का पार्ट है। अब चलते हैं इसके अंदर। अंदर अगर देखें तो जो फ्रंट डोर है उसमें आपको मिल जाएंगे यहाँ स्पीकर, और स्पीकर के साथ साथ ही जो हैंड रेस्ट है इस पर आपको मिल जाएगा फैब्रिक, यहाँ भी फैब्रिक है। तो ये ड्यूअल टोन इस बार है इसमें, जो आपको ब्लैक और बेज की जो थीम दी हुई है। बाकी आपको सारे कंट्रोल्स यहाँ, तो पावर विंडो के चारों पावर विंडो, ड्राइवर साइड की जो पावर विंडो वो आपको ऑटो अप डाउन, बाकी यहाँ आपको लॉक अनलॉक, और यहाँ से आप इसके जो ORVM है उन्हें आप एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ से इसमें रिट्रैक्ट भी कर सकते हो। बाकी यहाँ 1 लीटर की बॉटल के लिए होल्डर। और ये बता देता हूँ, ये जो इसका ये पार्ट आप देख रहे हो ये इसका स्टैंडर्ड पार्ट नहीं है, ये एसेसरीज़ का पार्ट है, और ये एसेसरीज़ का पार्ट आपको आगे कई भी जगह देखने को मिलेगा, वो मैं आपको दिखा दूँगा। बाकी यहाँ से इसका ये एंट्री के लिए, बाकी जो आपकी स्किड प्लेट है ये फिर से एसेसरीज़ का पार्ट है। अंदर से आपको कुछ ऐसी देखने को मिलती है। अगर नीचे से बटन की बात करें तो यहाँ इसका फ्यूल लिड ओपनर, जो फोल्ड ओपनर है, यहाँ से आप इसका बोनट ओपन कर सकते हो। ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ से, हेडलैम्प लेवलर यहाँ, ये दी हुई एसी वेंट, और ये जो किट दी हुई थी जो साइड में लगी हुई थी ये भी उसी का पार्ट है। अब चलते हैं इसके अंदर। अगर अंदर आ जाते हैं तो ऐसा इसका कुछ लुक है, बिल्कुल सिंपल इसका स्टेयरिंग व्हील, बाकी नीचे से फ्लैट बॉटम, बीच में दिया हुआ टोयोटा का लोगो, बीच में ये हॉर्न पैड, और यहाँ आपको कंट्रोल दिए हुए हैं। कंट्रोल के साथ साथ आपको यहाँ से या फिर म्यूट कर सकते हो, कॉल के फंक्शन यहाँ से आप मोड और वॉल्यूम प्लस माइनस। अगर बात करें इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट इसका क्लस्टर है। तो ये S वेरिएंट है, तो S वेरिएंट में आपको लेफ्ट साइड में टैकोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर मिल जाएगा, और यहाँ ये मिल जाएंगे इसके लाइट्स के कंट्रोल,
और लेफ्ट साइड में मिलेंगे इसके वाइपर के कंट्रोल्स। अब देख लेते हैं इसके सेंटर में। तो सेंटर में मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो सेंटर में अगर देखें तो ये हैंड ब्रेक, ये इसका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है तो इसका गियर नॉब, बाकी आपको यहाँ मिल जाएगा ये पूरी जगह, बॉटल होल्डर और ग्लास होल्डर बोल लो इसे, ये USB के लिए पोर्ट और यहाँ से 12 वोल्ट की पावर सप्लाई। बाकी ऑटो AC इसमें भी मिलता है आपको, तो यहाँ ये ऑटो AC ऊपर इसके वेंट दिए हुए हैं और यहाँ इसका म्यूज़िक सिस्टम और म्यूज़िक सिस्टम के जो सराउंडिंग है, तो इसमें आपको फिर से जो इसकी जो किट है वो आपको एसेसरीज के पार्ट में मिल जाएगी, मतलब इसका स्टैंडर्ड ये नहीं है। बाकी आपको ये पूरा क्रोम फिनिश के साथ ये देखने को मिलेगा, तो ये पूरा क्रोम फिनिश के साथ है और आपको मैंने बताया था कि ड्यूअल टोन में आती है, तो ड्यूअल टोन ब्लैक और बेज का यहाँ कॉम्बिनेशन, और बाकी आपको कंप्लीट ऐसा देखने को मिलेगा। अब इसका दिखा देता हूँ आपको एक बार इसका ग्लव बॉक्स। तो ग्लव बॉक्स इसका सफिशेंट है, एडुकेट है, आप अच्छा इसमें सामान रख सकते हो, मतलब एक छोटी बॉटल भी आ जाएगी और थोड़े बहुत कागज़ जो आते हैं नॉर्मल गाड़ी के वो भी आप इसमें रख सकते हो। अब एक बार इसे मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ऑन करने के बाद आपको इसका ऐसा लुक देखने को मिलेगा, बीच में दी हुई MID और MID सेट करने के लिए यहाँ से आप इन्हें चेंज कर सकते हो। अब जैसे ये माइलेज वगैरह यहाँ से और यहाँ से आप इन्हें सेट कर सकते हो, और अगर आप इन्हें प्रेस करके रखोगे तो ये यहाँ से वैल्यू इनकी रीसेट हो जाएगी। बाकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो इसका ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसमें अभी छोटी टच स्क्रीन आती है इसमें, ये मैं इसे ओके प्रेस करूँगा तो जैसा जो इसका इंटरफेस है वो काफ़ी हद तक जो पुरानी वाली जो ग्लेंज आती थी उसके जैसा ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें काफ़ी सारे फीचर इसमें ऐड कर दिए गए हैं। अब अगर इसके रियर व्यू मिरर की बात करें तो रियर व्यू मिरर इसमें मैनुअल मिलेगा आपको विद डे नाइट ORVM, और यहाँ अगर सनवाइजर की बात करें तो नॉर्मल मिलेगा आपको, और अगर पैसेंजर साइड की बात करें तो वो आपको वैनिटी मिरर के साथ मिलेगा। अगर सेंटर की बात करें तो यहाँ ये लाइट, येलो लाइट, और यहाँ ये इसके लगे हुए हैं माइक, तो यहाँ से आप इन्हें बात करते हुए कर सकते हो। अब चलते हैं एक बार इसके रियर में और रियर में दिखाता हूँ मैं आपको। तो रियर में ये जितनी भी एसेसरीज लगे हुई हैं तो उनका पूरा बॉक्स यहाँ पर है। बाकी यहाँ से दिखाता हूँ कि रियर डोर पे ये फिर से एसेसरीज का पार्ट, यहाँ से पावर विंडो के कंट्रोल्स, ब्लैक इनसाइड डोर हैंडल, यहाँ ये पूरा फैब्रिक लगा हुआ है ड्यूअल टोन में, यहाँ ये स्पीकर। और अब इसके पीछे बैठ जाते हैं। अब ये सीट जो फ्रंट सीट थी वो काफ़ी ज़्यादा पीछे है, लेकिन उसके बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस मेरे लिए बचा हुआ है, तो मैं आराम से इसमें बैठ सकता हूँ। तो पहले वाली जो ग्लेंज आती है और इसमें जो ज़्यादा डिफरेंस किया गया है वो इसका बूट कम कर दिया गया है, लेकिन जो इसका सिटिंग कंफर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। मतलब आप जो फ्रंट सीट है उन पे बैठ के या फिर रियर सीट पे भी बैठोगे तो आपको कंप्लीट इसमें फ़र्क महसूस होगा। और अगर इन्हें देखें जो इसके हेडरेस्ट हैं, तो हेडरेस्ट आपको मिलेंगे इसमें फिक्स, फ्रंट वाले के एडजस्टेबल मिलेंगे लेकिन रियर वाले के फिक्स मिलेंगे। पीछे पार्सल ट्रे, और अगर मैं आपको इसका डैशबोर्ड दिखाऊं तो ऐसा इसका कुछ डैशबोर्ड हमें देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं सबसे पीछे। तो रियर में अगर देखें तो इसके जो लैंप है तो वो भी काफ़ी बदल दिए गए हैं, अब पहले जैसा नहीं है, तो आपको बेलेनो से भी काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट करेगी। बेलेनो से स्टैंड आउट करने का जो इसका पर्पज़ है कि अब आपको इसमें ये कहाँ यहाँ तक पूरी LED स्ट्रिप मिलेगी, और यहाँ ये चार डॉट्स, ये भी LED, और यहाँ इसका जो वेरिएंट है ASUS की बैजिंग, यहाँ टोयोटा की बैजिंग, और यहाँ ये इसमें जो डिफोगर आपको मिल जाएगा, बाकी हाई माउंट स्टॉप लैंप, यहाँ ऊपर एंटीना, माइक्रो एंटीना। एक बार इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ओपन करने से पहले मैं आपको इसका कंप्लीट रियर व्यू दिखा देता हूँ। तो ऐसा है, ये कंप्लीट देखने को मिलने वाली है। बाकी ये भी एसेसरीज का पार्ट है, जो ये क्रोम लगा हुआ है और नीचे ये क्रोम भी। यहाँ आपको पार्सल ट्रे इसमें देखने को मिलेगी, और ये है इसका बूट,
बूट इसमें आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा। बूट का जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बाकी जो इसमें टायर साइज़ है वो जो इसके बाकी टायर हैं सेम उनके जैसा मिलेगा, 185/65R15। दोस्तों ये तो हुआ कंप्लीट रिव्यू ग्लेंजा का। तो ग्लेंजा का इस बार बात करें तो जो फेसलिफ्ट होके आया है तो इस बार ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। और डिफरेंट भी क्या, कम्प्लीट स्टैंड आउट करती है, चाहे बात करें इंटीरियर की या एक्सटीरियर की, और चाहे बात करें प्राइस की। तो प्राइस थोड़ा सा आपको इसमें बलेनो से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर लुक की बात करें तो फ्रंट में मुझे ये बलेनो से थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो कैमरे से इंस्पायर्ड है और जो कि पहले देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वहीं अगर बात करें इसके इंटीरियर की तो इसमें ड्यूअल टोन होने की वजह से आपको कैबिन थोड़ा सा स्पेशियस और देखने में प्रीमियम लगेगा, क्योंकि एक प्रीमियम हैचबैक भी है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो 8,34,000 रुपये इसका प्राइस है, जो कि ऑन रोड प्राइस है हरियाणा फरीदाबाद के हिसाब से। अगर आपको कैसी भी कोई डिटेल चाहिए टोयोटा से रिलेटेड तो उसकी सारी डिटेल मैं नीचे डाल दूंगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट ज़रूर पहनें और रोड पे कैसे भी एग्रेशन ना दिखाएं। धन्यवाद।